बंदरों का उत्पात अभी कम नहीं हुआ है कि सुजानपुर में अब चमगादड़ लोगों को सताने लग पड़े हैं। आलम यह है कि पूरा दिन इनकी चीख शोर शराबे से शहर की जनता परेशान हो गई है। जिला प्रशासन के साथ राज्य सरकार से राहत की गुहार लगाई है। शहरवासियों ने एक स्वर में कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र इन चमगादड़ों से हमारी रक्षा नहीं की तो अप्रिय घटना शहर में घटित होगी। इसके साथ साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी शहर में एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर देगी। आपको बता दें कि सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर 8 में इतने लोग नहीं रहते जितने आजकल चमगादड़ रहना शुरू कर गए हैं। पेड़ों पर उल्टे लटके हजारों की संख्या में चमगादड़ दिन रात लोगों को परेशान कर रहे हैं। पूरा दिन शोर शराबे से मोहल्ले के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है और स्थानीय लोगों ने अब हार मानते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार से राहत की गुहार लगाई है। शहरवासियों ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान में स्थिति यह है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। घर के आंगन में कार्य करना नामुमकिन हो गया है। घर की छतों लैंटर पर घूमना, कपड़े सूखने डालना, तमाम रोजमर्रा के कार्य इनकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य गली में आवाजाही नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जब इन चमगादड़ों में किसी की मौत हो जाती है तो या लोग घरों के आंगन में आकर गिरते हैं और जिससे बदबू चलती है और महामारी फैलने का भी भय बना रहता है। हजारों की संख्या में उल्टे लटके या चमगादड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इस भयंकर समस्या पर ना तो जिला प्रशासन गौर कर रहा है और ना ही राज्य सरकार राहत दिलवा रही है। लोगों ने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र उनकी यह समस्या का हल हो ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। वर्तमान में पढ़ाई करने वाले छात्र परेशान हैं, पूरा दिन शोर शराबा है। घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग आराम नहीं कर पा रहे, तमाम समस्याएं सबके सामने हैं। शहरवासियों में के अवस्थी, मधुसूदन अवस्थी, रिंकू चौहान, मदन शर्मा, ता अवस्थी, पूनम शर्मा, सीमा कुमारी, अन्नू कुमारी, सुधीर डोगरा, केदारनाथ, रविंदर कुमार आदि ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से राहत की गुहार लगाते हुए और इस समस्या से जल्द छुटकारा मिलने की मांग की है। परेशान है कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे इस वार्ड नंबर 8 में। और यहाँ पे मतलब एक तो इनकी पूरा रात दिन ची 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 की आवाज़ आती है जिससे बंदा कोई आराम नहीं कर सकता, विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता, कोई मतलब रोगी है वो आराम से लेट नहीं सकता और इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे कि लोग परेशान हो गए इस समस्या से। और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार इन चमगादड़ों को यहाँ से भगाने की उचित कार्रवाई करे, नहीं तो यहाँ पे कोरोना का भी मतलब रेपिटेशन हो सकता है कि कोरोना भी फैल सकता है। कि जब ये बंदर और चमगादड़ों की आपस में लड़ाई होती है तो काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब आपस में कई चमगादड़ मर जाते हैं। उनके मरने के बाद जो स्मेल फैलती है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे मतलब बंदा रह नहीं सकता, यहाँ पे इतनी दुर्गंध फैलती है कि यहाँ पे बहुत फाउल स्मेल फैलती है। तो हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार इसके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करे और उनको ऐसे चमगादड़ों को भगाने की कोशिश करे। क्योंकि अभी ये कि हम लोग यहाँ पे इतने शरीफ हैं, बोलते नहीं कुछ भी। चलो हमने सबको इकट्ठा किया है यहाँ पे कि लोगों को बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं कि ये समस्या बड़ी सीरियस है। इतनी चाइना से जो कोरोना फैला था वो चमगादड़ों की वजह से फैला था। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ से दोबारा रेपिटेशन हो जाए और लोग यहाँ पे बेचारे अपने शांत स्वभाव से रह रहे हैं। उनको इन चीज़ों का मतलब चाहे वो ज्ञान है नहीं है वो नहीं हाईलाइट करी उन्होंने। बाकी इसके बारे में हम यही चाहते हैं कि सरकार के ऊपर छोड़ रहे कि सरकार के ऊपर तुरंत कार्रवाई करें।